Welcome to Live Wire Transmission. Now we'll talk about textile industry. Nazin. Nazin, textile industry हमारी काफ़ी turmoil में है, तकलीफ में है. हमारे exports तेज़ी से नीचे आ रही हैं. Textile जो है सबसे बड़ा job creator है पाकिस्तान का. और समझिए कि अगर पाकिस्तान के definition कोई हो, कोई पूछे कि पाकिस्तान क्या है, तो हम कहेंगे textile. लेकिन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हालत इतनी ख़राब है, हुक्मरान इस पर तवज्जो नहीं दे रहे. और इनके बड़े बड़े एसोसिएशन जिनको हम बहुत पावरफुल समझते थे, और जो जिनको हम समझते थे कि गवर्नमेंट से बहुत क्लोज़ हैं एंड दे आर वेरी क्लोज़ टू द रूलिंग एलीट, वो बेचारे भी आजकल जो हैं बड़े परेशानी के आलम में, हमारे शोज़ में आके बातें करते हैं, अखबारों में इश्तहार देते हैं अपने मसाइल पर. तो कुछ अजीब सा भी लगता है, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ साइन ऑफ डिस्परेशन कि ये सिचुएशन जो इतनी बड़ी हैं, जो इतनी बड़ी जॉब क्रिएशन की जिम्मेदार हैं, वो पब्लिक फोरम के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर वगैरह तक पहुंचने की कोशिश करती हैं. इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने बात दावत दी है जाहिद मजहर साहब को, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एप्टमा के, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन. दिस इज़ बाई फार द लार्जेस्ट एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान. तो इसकी अहमियत, इसकी पावर का आपको बखूबी अंदाज़ा होगा. जाहिद साहब, वेलकम शो सर. शुक्रिया जी. सर, पहले हम आप लोगों को ढूंढते थे, आप लोग मिलते नहीं थे क्योंकि आप लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आजकल आप आ जाते हैं. ये भी एक, और अखबारों में भी इश्तहार देते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि वाकई आपके मामला जो हैं सीरियस हो गए हैं काफ़ी. तारिक साहब, पहले मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब मीडिया बड़ा एक्टिव है और इट इज़ अ वेरी बिजनेस प्लस. तो 2004 से यही काम कर रहा है साहब, और कुछ आप जब बुलाते हैं हम हाजिर होते हैं जी. सर, ये जो इशूज़ हैं आपके, आप ही से हमारी सारी उम्मीद लगी हुई है. हमने ये सोचा था कि 17 मिलियन 13 आप या 14 आपके पहुंच गई थी, ये किसी दिन इंशाल्लाह ये 50 पे जाएगी, 60 पे जाएगी. तो वो उम्मीद एकदम से जो है रिवर्सल में चली गई, डिस्पाइट जीएसपी, डिस्पाइट सो कॉल्ड एक्सपोर्ट पैकेजेस. ये क्यों ऐसा, आप लोग स्लो क्यों हो गए? मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ. तारिक साहब, देखें, मेरा यहाँ आने का मकसद ये है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया. एक तो ये कि आपके नाज़रीन को कुछ थोड़ा सा टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के डायनामिक्स का अंदाज़ा हो जाए, और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि इस फोरम से थोड़े से जो हमारे साहिबान इक्तदार हैं वो भी ज़रा इशूज़ को रियलाइज़ करें, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, थ्रेट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उस पर भी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा. बात यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस मुल्क के लिए इसलिए भी अहम है कि ये एक एग्रीगेरियन इकॉनमी है हमारा मुल्क, और इसके अंदर कॉटन की क्रॉप एक बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है. अब कॉटन की क्रॉप आपकी जब पीक थी तकरीबन 14.8 मिलियन बेल्स तक हम पहुंचे थे. अब 14.8 मिलियन बेल्स अगर आप कॉटन पैदा करें और उसको कॉटन को बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें, तो हमारी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो इतनी है नहीं. मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो सकती है इन अ ईयर 2 मिलियन बेल्स. इसका मतलब है कि वो सारी कॉटन आपने खुद कंज्यूम करनी है. अच्छा है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ना हो, आप उसको खुद कंज्यूम करें, उसकी प्रोडक्ट्स बना के बेचें, तो मुल्क की आमदनी में इजाफा होगा, उससे इंडस्ट्री चलेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा. तो ये बिज़नेस मॉडल, बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन हुआ यूँ कि इन द लास्ट 2 ईयर्स जो कॉटन की क्रॉप है वो थोड़ी सी अदम तवज्जो का शिकार रही, और जो 14.8 मिलियन बेल्स पर हम पहुंच चुके थे वो गिरकर लेस देन 10 मिलियन बेल्स पे पहुंच गई, गोया कि 1 करोड़ बेल से कम हो गई. 33% जी हाँ, जबकि आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी 14.5 मिलियन, 15 मिलियन बेल्स. तो ये जब से कॉटन की शॉर्टेज हुई, आपको कॉटन बाहर से मंगानी पड़ी. एक तो उसकी वजह से ज़र मुबादला पर बर्डन आया, दूसरा ये है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, बड़ी, और उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनकम्पिटेटिव हो गई. वरना अगर जिस सीज़न में आपकी कॉटन क्रॉप एबंडेंट हो और एम्पल रॉ मटेरियल आपकी इंडस्ट्री को मिले, तो आपकी इंडस्ट्री बड़ी कॉम्पिटिटिव है और हमारी तमाम प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में वेल वर्स्ड हैं और बड़े अच्छे तरीके से ख़रीदी जाती हैं. सो मच सो के आपका हमसाया मुल्क जो है उससे आजकल हमारे ताल्लुकात सही नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी पता ये चला कि हमारी प्रोडक्ट्स बड़ी पॉपुलर हैं वहाँ, बल्कि उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आग लगाई
क्योंकि जी वो गारमेंट्स के अंदर टिकली लगी हुई थी मेड इन पाकिस्तान की, तो हमारे गारमेंट्स और हमारी फिनिश प्रोडक्ट्स बड़ी पॉपुलर हैं। सिर्फ ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें डेफिनेटली एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, दूसरा रॉ मटेरियल कॉस्ट, दोनों ही बढ़ गए, अनफॉर्चुनेटली बढ़ गए। कॉटन क्रॉप का तो मैंने बैकग्राउंड आपको दिया, रॉ मटेरियल प्राइसेस इस वजह से बढ़ गई। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके अंदर आपके एनर्जी कॉस्ट आती है, उसके अंदर आपकी लेबर कॉस्ट आती है, और अनफॉर्चुनेटली टैक्सेशन भी उसका एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो पहली तो गुजारिश यही है कि जो एनर्जी की कॉस्ट है उसको हम ये नहीं कहते कि आप हमें कोई हमारी मदद करें या हमें कोई सब्सिडाइज करें, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जिन ममालिक से हमने कम्पीट करना है, जिनमें सर फहरिस्त बांग्लादेश है, इंडिया है, वियतनाम है, कम अज़ कम आप हमें उनसे ज़्यादा महंगी बिजली तो ना दें, बिजली और गैस। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली जिस ज़माने में तेल की कीमत होती थी $100 प्लस, तो उस ज़माने में 400-450 रुपये पर MMBTU गैस की प्राइस थी। जब तेल की कीमत गिरकर $26 हो गई और आजकल $52 है, तो आजकल उसकी प्राइस जो है वो ₹600 पर MMBTU सिस्टम गैस, ऑन टॉप ऑफ दैट GIDC ₹200, यानी कि ₹800 पर MMBTU कॉस्ट हो गई। जबकि हमारे हमसाए ममालिक और हमारे कंपीटिंग ममालिक उनमें $4 की गैस की प्राइस है। तो इसको अगर रियलिस्टिक कर दें तो आपकी एनर्जी को यकीनन बहुत एक बूस्ट मिल सकता है। इसमें एक खबर है आज कि सेल्स टैक्स ऑन मोटर गैसोलीन हैज़ बीन रेज्ड टू 20% फॉर मे फ्रॉम 15.5% इन द मंथ ऑफ अप्रैल, व्हाइल ऑन हाई स्पीड डीजल इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 33.5% फ्रॉम 29.5%। यानी कि मज़ीद आपके ऊपर टैक्स का बर्डन डाला जा रहा है, मज़ीद सेल्स टैक्स के रेट बढ़ा के। ठीक है, ये एक आम कंज्यूमर पे इसका बर्डन आएगा, जो गैस के ऊपर इसका बर्डन नहीं है या एनर्जी प्राइस पे इसका बर्डन नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी तो ये पीस मिल खबर आई है, ऐसी आप गैस की भी ये मुअम्मा यही है कि हमारा प्रॉब्लम जो है पूरे हमारे मुल्क का नेशनल इकोनॉमी का प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। हमारी कोशिश होती है गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं, हमारी कोशिश यही होती है, हम गवर्नमेंट को ये समझाते हैं कि आप इकोनॉमी के साइज़ को बढ़ाएं। GDP जो हमारी 7% एक ज़माने में पहुंच गई थी आज से 10 साल पहले, और अब गिरकर 3% हो गई थी, अब दोबारा कहते हैं कि 5% की उम्मीद है, लेट अस सी 5 टच करते हैं कि हम नहीं, ये 7-8% हमारी GDP होनी चाहिए, और हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम मौजूद हैं। हम अपने एग्रीकल्चर पर तवज्जो दें, जो हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है उनके लिए इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह हमारी GDP 7% टच कर जाएगी। अगर आपकी GDP बढ़ेगी तो रेवेन्यू में आपका ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। होता ये है कि GDP पे तवज्जो नहीं दी जा रही, आपको मालूम ही है यहाँ सारी पॉलिसीज़ IMF ड्रीवन पॉलिसीज़ होती हैं, ग्रोथ के ओरिएंटेड नहीं होती पॉलिसी, तो इस हम ट्रैप में ही रहते हैं, बजट डेफिसिट के ट्रैप में ही रहते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अब आपका ट्रेड डेफिसिट भी हो गया बहुत बड़ा, इम्पोर्ट्स आपकी बढ़ती चली जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स जो आपकी $25 बिलियन हो चुकी थी वो गिरकर $20 बिलियन पर आ गई हैं पिछले साल। $20 बिलियन टेक्सटाइल का क्या हिस्सा है इसमें? टेक्सटाइल जी $14 बिलियन हमने टच की थी, 25 में से $14 बिलियन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट होती थी, और अब इस वक्त टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स गिरकर $12 बिलियन हो गई, यानी कि $1 बिलियन पर मंथ है, जो कि इसका पोटेंशियल पर एनम $14 बिलियन $15 बिलियन हम अचीव कर चुके हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि पोटेंशियल क्या है अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें आज। जी जी, आज गवर्नमेंट FBR एक्टिव हो जाए, जी जी, और 99% लोग जो टैक्स नहीं देते हैं, जी जी, उन पे उनसे 30-40% से भी अगर ले ले, तो ये जो बार बार ये सेल्स टैक्स और ये जो GICD चार्ज होता है जिसकी वजह से गैस इतना महंगा है, इमेजिन करें कि रिमूव हो गए, 200 निकल गया, ये सारे टैक्सेस इलेक्ट्रिसिटी से भी चले गए, पेट्रोल से भी चले गए, इवन प्लेइंग फील्ड हमने आपको दे दिया, तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल गिवन 10 मिलियन प्रोडक्शन भी अगर हो कॉटन की, जी जी, टोटल आप लोग कितना उसको वैल्यू एड करके बना के कमा सकते हैं? ठीक है ताकि साहब, बीच में तो ऐसे हुआ था कि ये इस साल जो कॉटन की शॉर्टेज थी और 10 मिलियन bales की क्रॉप थी, 5 मिलियन bales हमने दरामद करनी थी, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी,
यानी कि फैसिलिटेट करना चाहिए था रॉक मटेरियल को की इम्पोर्ट को, बजाय फैसिलिटेट करने के उस पर कस्टम ड्यूटी लगा, कमाने का जरिया बना लिया, ये बना लिया। लेकिन हम मशहूर हैं गवर्नमेंट के टेक्सटाइल पैकेज की शक्ल में उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया और ये कॉटन के ऊपर जो ड्यूटी थी उसको वापस ले लिया। तो इस तरीके से अगर फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाए गवर्नमेंट, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे, तो पहला हमारा हदफ जो है टारगेट वो तो है $30 बिलियन माशाल्लाह पे ले जाने का एक्सपोर्ट्स को, जो कि फ़िलहाल $20 बिलियन है। उसके बाद $50 बिलियन भी हो सकती है। मैं अपनी इस बात के सपोर्ट में यूँ कहूँगा कि ये कोई बहुत नाकाबले यकीन बात नहीं है, अगर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 30 बिलियन 35 बिलियन हो सकती हैं, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान, जिसमें टॉप के एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, जहां क्रॉप पैटर्न बहुत अच्छा है, जहां की पॉपुलेशन बड़ी यंग है, यहां ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? बांग्लादेश में बचपन में रहा हूं, अब्बा की पोस्टिंग हुई थी कुछ साल के लिए, तो वहाँ तो सिर्फ जूट इंडस्ट्री हम सुनते थे, कॉटन इंडस्ट्री का, गारमेंट इंडस्ट्री का तो कोई नाम नहीं था 70s में, प्रायर टू देयर इंडिपेंडेंस। हाउ कम दे बिकेम सो गुड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ एक एक भी कॉटन पैदा नहीं होता, कि वो 30 बिलियन पे पहुँच गया और हम जो है 12 पे पहुँच गए? देखें, स्टार्ट तो उनको इस तरह मिला कि उन्होंने अपने आप को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस लिया हासिल किया उन्होंने। उसकी बुनियाद पर दुनिया के किसी मुल्क में भी जब उनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो ड्यूटी फ्री हैं, ये उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसकी वजह से वहाँ इंडस्ट्री लगती चली गई। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब वहाँ की गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि ये एक ब्रेड अर्नर है, एक्सचेंज अर्नर है, उन्होंने तमाम पॉलिसीज अपनी सब इसी की सुंत में दी। अब जिस तरह आपके यहाँ गैस जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को महंगी दी जाती है और डोमेस्टिक सेक्टर को सस्ती दी जाती है, बांग्लादेश में इसका उलट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सस्ती दी जाती है गैस और डोमेस्टिक सेक्टर को महंगी दी जाती है, क्योंकि वो ये रियलाइज़ करते हैं कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, तो गरीबों के हाथ में। ये विजन की बात है सब, है जी, 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 जी। आप कैसे देखते हैं? आपको तो सिर्फ फिक्र लगी हुई है कि कैसे 20 से 21 कर दूँ, कहाँ पे 20 से 30 कर दूँ, यही गैस और यही जो थोड़ी सी चीज़ें हैं जी, इस पर कंट्रोल बहुत ईजी है, खाली एक नोटिफिकेशन आपने चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया, वहाँ वो विजन है कि भाई सब चीज़ कम रखो और एक्सपोर्ट कर दो। अब बताइए कि वहाँ कितने औरतों को खासतौर से जॉब मिल गई जी जी, जो टेक्सटाइल की वजह से जी जी जी, और वो मुल्क खुशहाल होता चला जी जा जी रहा जी है जी। सिर्फ लीडरशिप और इसकी बात है और कुछ नहीं है, इमेजिनेशन। देखें जी, ये तो हमें यहाँ अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं जो खाली परसेंटेज बढ़ाने और घटाने की बात करते हैं। एक तो हमें ये तारीख साहब एडमिट करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमती सेटअप है वो चेंज होता रहता है। अब डेमोक्रेसी कुछ पिछले सालों से चलना शुरू हुई है, तो जो भी सिविलियन गवर्नमेंट आती है वो 3-4 साल तो उसी में लगे रहते हैं, उनके अपने इक्तदार को कैसे बचाएं। फिर उनको दोबारा अगर इलेक्शन में मौका मिलता है और जीत कर आते हैं, तो फिर वो कोई पॉलिसी फॉर्मूलेशन की तरफ तवज्जो देते हैं। अब मैंने ये नोट किया कि हाल ही में इस गवर्नमेंट ने काफ़ी इस बात को रियलाइज़ किया है और इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ वो तवज्जो दे रही हैं। और मैंने ये टेक्सटाइल का कोई मिनिस्टर ही नहीं है अभी तक, 2 साल हो गए हम चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए टेक्सटाइल का एक मिनिस्टर होना चाहिए, फुल टाइम मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन इख्तियार बेग साहब थे जी हाँ, एडवाइजर टू द जी हाँ जी, ऐसे तो कोई भी पोस्ट अभी। अब यही होता रहता है, या हम इश्तियारों के जरिए अपने नुक्ता नज़र पेश करते हैं, या हमारे डेलीगेशन जाते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमारा डेलीगेशन गया था इस्लामाबाद में, टेक्सटाइल के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमारी तमाम बातों को अप्रिशिएट किया और अब जाके रियलाइजेशन आ गई है कि एक्सपोर्ट्स इतनी गिर गई हैं, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी चॉइस, बेल बज गया है खतरे जी का। अब घंटियां बज रही हैं और वो हमसे पूछना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब आप क्या चाहते हैं। तो कब मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आपसे इस सिलसिले में? बड़ा ये हमें ये अंदाज़ा दिया गया है कि अगले 15 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ टाइम देंगे हमें, तो हम ये फिर उनके सामने गोशो गवार करेंगे ये कि क्या वजूहत थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स डाउन हुई, और अब आइंदा के लिए क्या रोड मैप रखा जाए ताकि एक्सपोर्ट दोबारा रीगेन हो और ये जो ख़तरनाक हद तक जो ट्रेड डेफिसिट इस वक्त इमर्ज कर रहा है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। सही साहब, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मुश्किल हैं उस पर आपने डिस्कशन सुनी, बहुत अजीब सी बात लगती है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के को सुनवाई कोई नहीं है, कोई अभी तक कोई टेक्सटाइल का मिनिस्टर ही नहीं है, इतने दिन हो गए, अब तो हुकूमत का आखिरी वक्त आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े बड़े मुश्किल से इनको टाइम देते हैं, 15 दिन का टाइम तो दे दिया लेकिन मिलते भी हैं या नहीं पता,
उनके लिए और चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बजाय कम ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते रहते हैं ये लोग, उसको सुनने के और उस पर अमल करने के बजाय टैक्स रोज़ाना बढ़ते ही चला जा रहा है इन चीज़ों पर, जिस जैसे गैस है, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये कैसे हम कारोबार करें, कैसे ये लोग कम्पीट कर सकते हैं, जबकि कॉटन भी कम प्रोडक्शन हो गई, 15 से 10 मिलियन पे हम आ गए। तो कॉटन भी महंगा, एनर्जी भी महंगी, मेरे ख्याल में लेबर ठीक ही होगा या थोड़ा सा महंगा होगा, और ये बेचारे कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे मुल्क को संभालें। पोटेंशियल आपने सुन लिया, 30 बिलियन 40 बिलियन कोई मुश्किल नहीं है अगर गवर्नमेंट एवन प्लेइंग फील्ड दे दे। टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR 99% वो लोग जो टैक्स नहीं देते मुल्क में, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड, दुनिया में कहीं ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ 1% आदमी टैक्स दे और 99% गो स्कॉट फ्री। कम से कम 20% से ले लें, 10% से ले लें, तो हालात बदल सकते हैं। और फिर ये जो हर वक्त खोज में लगे रहते हैं साकदार साहब कि कहाँ बढ़ाऊँ कहाँ बढ़ाऊँ, अभी आपको मैंने बताया कि दोनों पेट्रोल पे सब पे बढ़ रहा है मई के महीने में, तो ये जब इस चक्करों से निकल जाएंगे तो एनर्जी कॉस्ट वगैरह नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी और हमारी इंडस्ट्री फिर से चलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।